मान लो कि आपने कोई प्राइवेट वीडियो आपके पास है या फिर कोई किसी का प्राइवेट फोटो है आपके पास, ठीक है, जिसको आप अपने गैलरी में अपने फाइल मैनेजर में नहीं रखना चाहते, आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पे लाके आप छुपा सकते हैं उसको, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए कमाल का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोन का किसी भी ऐप को जो है लॉक कर सकते हैं, चाहे वो आपको व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी ऐप हो, आप उसको बड़ी आसानी से जो है लॉक कर सकते हैं। सिर्फ लॉक नहीं कर सकते, और भी काफ़ी कमाल का फीचर मिलता है। क्या है जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 या 3 और भी वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो अगर उन वीडियोस को देखना हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ जाओ एंड यहां पे सर्च करो ऐप लॉक। जैसे ही ऐप लॉक सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऐप का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है, ये वाला जो ऐप दिख रहा है सिंपली से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप इसको ओपन कर देना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है, जहां पे आपके फोन में जितना भी एप्स होगा वो सारा लिस्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा, एंड यहाँ पे ये सारा एप्स को ये जो है लॉक करने के लिए रेडी है। देख सकते हो यहाँ पे लॉक का आइकन भी बन गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि सारे एप्स को क्या लॉक करना है, और नीचे में देखो लिखा है प्रोटेक्ट 25, यानी कि 25 एप्स को इसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको सारे एप्स को लॉक करना है एक साथ में तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं सभी को रहने देता हूं एंड यहां पे मैंने प्रोटेक्ट पे क्लिक किया। जैसे ही यहां पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको चूज करना होगा कि आपको किस तरह का लॉक लगाना है। देखो यहां पे पैटर्न का ऑप्शन आ गया है, तो चाहूं तो यहां पे मैं पैटर्न भी लगा सकता हूं, और अगर मुझे पासवर्ड लगाना हो तो देखो ऊपर में पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो ये पैटर्न पासवर्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पैटर्न ही लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, पैटर्न लगा दिया, एंड वापस से कंफर्म इसको करना होगा। तो वापस से इसको जैसे ही कंफर्म किया उसके बाद देखो अब क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक्चुअली होता है कि अगर इन केस आप बाद में अगर अपना पैटर्न या पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये एक रिकवरी ऑप्शन होता है, बाद में आप इसके थ्रू जो है अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपसे बहुत सारा आपसे क्वेश्चन नीचे आ जाएगा, कोई भी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट कलर चूज कर लिया है एंड उसके आंसर में मैंने यहाँ पे उसका आंसर डाल दिया रेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली से यहाँ पे सेव कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो देखो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स जो है आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। जब जाके ये परमिशन इसको दोगे तब जाके ये आपके फ़ोन में प्रॉपरली काम करेगा। तो ठीक है, इसको जैसे ही ओके करोगे तो ये लेकर आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो सिंपली से आपको यहाँ पे ऐप लॉक पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐप लॉक पे क्लिक करोगे तो अब देखो इसके अंदर में एक ऑप्शन दिख रहा है परमिट यूजेज एक्सेस का। तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो फिर से एक पॉपअप आ गया है एंड सिंपली से ओके कर दो। और उसके बाद देखो अब हम जो है अपने होम पे आ गए हैं इस ऐप के, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने सारा ऐप सेलेक्ट किया था तो वो सारा ऐप जो है यहाँ पे अभी लॉक हो गया है, लेकिन अब देखो कमाल का फीचर यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। देखो एक लॉक का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है और 4 ऑप्शन नीचे दिख रहा है। ये सारा क्या है, सब कुछ फटाफट से इसको समझ लेते हैं। देखो जो भी ऐप आपने लॉक किया था, अगर उन ऐप्स में कोई ऐप्स को अब आपको अनलॉक करना है, ठीक है, अब उसको लॉक पे नहीं रखना है, या फिर कोई बाकी रह गया था अब उसको वापस से लॉक में लगाना है, तो वो आप इस लॉक वाले आइकन से कर सकते हैं। सिंपली से यहां पे क्लिक करो एंड इसके अंदर में आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स का, जो भी लॉक लगाना है या हटाना है आप यहां से कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहां पे है, ठीक है, जो भी ऐप्स को आपने लॉक लगाया है अगर आप चाहते हैं कि उसका जो है नोटिफिकेशन आए वो किसी को ना दिखे, वो भी हाइड हो जाए, देखो नोटिफिकेशन हाइड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो सिंपली से क्या करना है, ये जो लॉक आइकन दिख रहा है जैसे यहाँ पर लॉक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो है डेमो दिखने लग जाएगा कि देखो ये नोटिफिकेशन है, ये सारा जो है हाइड हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो देखो नीचे में एक अप्लाई का बटन है, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप लॉक का। तो सेम वही चीज़ इसको बेसिकली आपको इनेबल करना होगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो एक परमिशन मांगेगा, सिंपली से आप इसको अलाउ कर दो। देन उसके बाद आपको जो शुरुआत स्टार्टिंग में आपने जो पैटर्न डाला था या फिर पिन डाला था वो फिर से आपसे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मांगेगा। तो सिंपली से मैंने वो पैटर्न डाल दिया है एंड देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो है वो नोटिफिकेशन जो है लॉक हो गया, यानी कि जो जो ऐप्स को मैंने यहाँ पे लॉक किया है उसका नोटिफिकेशन भी जो है लॉक हो गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी दिखाई नहीं देगा किसी को, समझ गए। ओके, अब देखो यहाँ पे चार चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कमाल का है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही है काफ़ी मज़ेदार चीज़। ठीक है गाइज, देखो सबसे पहले क्या है, थीम्स। तो स्टार्टिंग में याद होगा कि जब हमने पैटर्न लगाया था या फिर पिन लगाया था तो उसका अगर थीम चेंज करना है तो इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो पैटर्न का अलग अलग थीम्स है, बहुत सारा थीम्स है। नीचे जाओगे तो और भी थीम्स मिलेगा। ठीक है, पिन में भी आओगे तो पिन में भी अलग अलग थीम्स मिलेगा, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। तो जो भी आप हो, आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी है आपके लिए काफ़ी कमाल का थीम्स है यहाँ पे। तो आप थीम्स अलग अलग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बैक करते हैं और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वायरस स्कैन का। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कोई भी डेमो फाइल होता है या फिर कोई जो कैच फाइल होता है ना, वो सब इसको ये क्लियर कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आके स्कैनिंग करके चेक कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे है वॉल्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने कोई प्राइवेट वीडियो आपके पास है या फिर कोई किसी का प्राइवेट फोटो है आपके पास, ठीक है, जिसको आप अपने गैलरी में अपने फाइल मैनेजर में नहीं रखना चाहते, आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पे ला के आप छुपा सकते हो उसको, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक कर दो, हाइड कर दो, कोई नहीं देख पाएगा सिवाय आपके, क्योंकि आपको पासवर्ड पता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल का चीज़ है। यहाँ पे वीडियो के अंदर वीडियो सेव कर सकते हो, फोटो के अंदर यहाँ पे फोटो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक काफ़ी कमाल का चीज़ है। ओके, अब देखो यहाँ पे चौथा एक ऑप्शन है ब्रेक इन अलर्ट। एक्चुअली ये क्या है, आओ इसको समझते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ठीक है, और ये आपके काफ़ी काम का हो सकता है, काफ़ी कमाल का है। देखो इसके अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। अब बेसिकली ये नंबर है क्या, इसका मतलब है अब यहाँ पे 3, 2, 1, 5, 10 जो भी आपका मर्जी है आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके फ़ोन को 2 बार गलत इसमें पैटर्न डालने का या पासवर्ड डालने का कोशिश करता है और गलत डालता है 2 बार, तो उसका ये जो है फ़ोटो खींच लेगा और यहाँ पे सेव कर देगा। अब आपको तो पता ही है कि हर घर में एक ना एक तो इंजीनियर होता ही है, मतलब आप फ़ोन रख के जाओगे और वो छेड़खाने स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपको जानना है कि कौन आपके पीठ पीछे जो है आपका फ़ोन को ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास कर रहा था या फिर ट्राई कर रहा था, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर लो। 1, 2, 3 जितना भी लगाना लगा दो यहाँ पे नंबर, उतने बार वो गलत टाइप करेगा, पासवर्ड उसका फोटो खींच के यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप बाद में आके चेक कर सकते हैं कि किसने आपके फ़ोन को छेड़खाने किया था आपके फ़ोन के साथ। ठीक है, तो ये था चौथा ऑप्शन। तो देखा गाइस कितना कमाल का और कितना इंटरेस्टिंग ऐप है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और गाइस यहां पे वो दोनों वीडियो का लिंक मैं यहां पे दे रहा हूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था के लिए, अगर ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो उन दोनों को जाकर देखो, वो भी काफी कमाल का है। तो यहां पे उसका लिंक दे रहा हूं, क्लिक करो एंड एंजॉय करो।